Okay, so next topic which we have is probability. Probability is a वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्योंकि ये कोर्सेज में आगे आएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस स्टूडेंट्स आउट देयर, क्योंकि ये जो है सारे डेटा साइंस के इलेक्टिव्स में एज अ प्री रिक्विजिट होता है. प्रॉबिलिटी इज़ अ फोर क्रेडिट कोर्स विच यू ऑलरेडी कवर्ड, लेकिन इसमें जो इस टॉपिक में मैं चीज़ें कवर कराऊंगी वो बहुत ही बेसिक वो वाले नोशंस होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए जानना, मतलब फॉर दी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जो आगे जो ए आई अब हम पढ़ेंगे. सो अब टिपिकली जो है वो जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ए आई आप लेकर आते हैं वो वाला स्टार्ट होने लगा है, बिकॉज स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक प्रॉबिलिटी विल गो ऑन टू क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, डिसीजन ट्रीज एंड सो ऑन, लीनियर रिग्रेशन. सो जितना हम कवर कर पाएंगे उतना करने की कोशिश करेंगे. सो प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक चीज़ है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इज़, क्योंकि जैसे मशीन लर्निंग हो गया या आपकी डेटा माइनिंग हो गई, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो गई, डेटा साइंसेज हो गए, इन सारे कोर्सेज में प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई कि अगर आप किसी भी मास्टर लेवल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जब आप और आप कोई ऐसा डेटा साइंस का कोर्स पढ़ने लगते हैं तो उसमें वन ऑफ द मेजर प्री रिक्विजिट इज़ प्रोबेबिलिटी, कि अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो दे डू नॉट लेट यू टेक दैट कोर्स. सो प्रोबेबिलिटी मेजरली जो इम्पोर्टेंट कोर्स है दैट्स पर्टिकुलरली फॉर ML डोमेन, क्योंकि उसमें आपको डेरिवेशंस और इंटीग्रेशंस काफ़ी सारी होती हैं कि किस तरह आपने फॉर्मूला डिराइव किया है, आपने कौन सा मॉडल लगाया, क्यों लगाया है. सो उसकी बैक एंड जो वर्किंग होती है वो सारी प्रॉबलिस्टिक अप्रोचेस पे होती है. एंड जो AI है वो बेसिकली चल ही प्रॉबिलिटी पर रही है. इट्स नेवर गारंटिंग यू 100% यू नो रिजल्ट के हाँ 100% आपको परफेक्ट रिजल्ट देगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर फेशियल रिकग्निशन है, यो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, तो वो कभी भी आपको ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको कहेगा कि हाँ हम आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट देंगे और कोई भी 1% गलती भी नहीं आएगी. सो इट्स ऑलवेज टर्निंग आउट टू बी प्रॉबलिस्टिक. फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू डू ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो अगर मुझे बहुत सारे आइटम्स हैं उसमें डिटेक्शन करनी है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ब्लर्ड ऑब्जेक्ट आ जाए या उसका जो एंगल जिस एंगल पे वो पड़ा हो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी ख़राब हो, वो दो ऑब्जेक्ट्स में कंफ्यूज होके कोई एक गलत ऑब्जेक्ट उसको डिटेक्ट कर दे. मतलब उसको एग्जैक्टली प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोचेस में बताना होता है कि जिस आपने ऑब्जेक्ट की लिस्ट डेटाबेस में पीछे बैकएंड पे रखी है. फॉर एग्जांपल आपने अपने डेटाबेस में उसको ट्रेन करवाया हुआ है 20 ऑब्जेक्ट्स पे एंड आपने अभी एक रैंडम एक ऑब्जेक्ट रखा है टेस्टिंग के लिए एंड आप उसको डिटेक्ट करवाना है, तो वो अगर प्रोबेबिलिटी पे चलता है कि किस भी उन 20 जो आपके डेटाबेस में ऑब्जेक्ट पड़ रहे हैं उन 20ों में से किसके साथ वो सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है एज पर प्रोबेबिलिटीज प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, वो किससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैच कर रहा है, जिसके साथ उसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, वो फिर वो आपको बताता है, वो कहता है कि ये ऑब्जेक्ट ये है. पर्टिकुलरली उसको वो टाइटल दे देता है, वो बेसिकली ये करता है कि वो उस ऑब्जेक्ट को, अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसको यूँ एक स्क्वायर बॉक्स बना के फिर वो यहाँ पे एक टैग उसको देता है कि ये पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट है. वो जो टैग दे रहा होता है वो ऑन प्रोबेबिलिटी दे रहा होता है कि किसके साथ उन 20 में से किसके साथ सबसे ज़्यादा उसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मैच की है. सो न्यूरल नेटवर्क्स फॉर एग्जांपल, डीप लर्निंग, दे ऑल गोइंग ऑन प्रोबेबिलिटीज़. यू जितने भी आप मॉडल्स पढ़ेंगे अपने कंप्यूटर विजन में आप देख लें तो वो सारे प्रोबेबिलिटी पे चल रहे होते हैं. सो वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी विच इज़ यूज इज डिसीजन थ्योरी. इट्स इलेक्टिव टॉट टू इकोनॉमिक्स स्टूडेंट आउट देयर इन मेनी मेनी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एज अ प्रॉपर इलेक्टिव. इट्स लाइक अ प्रॉपर इलेक्टिव सेमेस्टर कोर्स जिसमें ये कराया जाता है कि जब आपके पास बहुत ही रिस्की सिचुएशंस होती हैं इकोनॉमिक्स में, इसलिए वो पढ़ाते हैं बिकॉज जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारी मल्टीपल कंपनीज हैं एंड दे हैव टू डिसाइड फॉर अ डिसीजन कि हमें ये ब्रांड लॉन्च करना है कि नहीं करना है, या हमें ये स्कीम लॉन्च करनी है कि नहीं करनी, हमें सेल जो है किस पर्टिकुलर टाइम पे लॉन्च करनी है. सो वो जो होती हैं वो सारी रिस्की सिचुएशंस होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई कपड़ों का ब्रांड हो गया, अगर वो कोई सेल लॉन्च करता है तो वो ऐसा नहीं है कि वो कोई तुक्का नहीं मारते हैं, इस तरह का नहीं है कि उनका मूड हो गया तो वो सेल लगा देते हैं. इट्स बेसिकली रनिंग ऑन अ प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, इट्स ऑन अ रिस्की सिचुएशन. दे एनालाइज कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है, कब लेना है और क्यों लेना है, और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये हिट चला जाएगा या कितनी प्रोबेबिलिटी कि लॉस पर चला जाएगा. सो दिस इज़ बेसिकली वो डिसीजन थ्योरी इज़, कि आपके पास जितने भी ऑप्शन हैं आप उनको सामने रखते हुए यू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन योर प्रोबेबिलिटी अप्रोच, कि आपको क्या लगता है कितने चांसेज हैं इसके हिट होने के. फॉर एग्जाम्पल ये 5 ऑप्शन फॉर यू कि या तो आप सेल लॉन्च कर दें, या आप एक नया आइटम लॉन्च कर दें, या वट्सो एवर, तो उनमें से आप ये देखते हैं सबसे ज़्यादा हिट अप्रोच कौन सी होगी, आपके अकॉर्डिंग किसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है फॉर गिविंग यू अ प्रॉफिट. तो दिस व्हाट डिसीजन थ्योरी इज, जिसमें जो आपका बेसिक डिसीजन होता है इट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी टू डिसाइड कि आपका जो डिसीजन हो
वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रॉफिट आपको दे. तो वो यूटिलिटी जो हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट ऑफ एआई पढ़ी थी कि यूटिलिटी इज़ बेसिकली ही मैक्सिमाइजिंग एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, सो नाउ इट्स ऑल्सो जॉइंट विद प्रोबेबिलिटी बिकॉज दैट इज वट एआई इज़, की हैव टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द फैक्ट कि ये आपको सबसे हाईएस्ट चांस ऑफ प्रॉफिट दे या सबसे हाईएस्ट चांस ऑफ सक्सेस दे. सो विद इन प्रोबेबिलिटी वी हैव लिमिटेड नोशन जो आपको पता होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ सम ऑफ इवेंट्स यू कैन से इट्स ऑलवेज प्रॉबिलिटी इक्वल्स टू वन, राइट. अगर मैं सारे इवेंट्स को सम अप कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर वेदर्स हैं देर फोर वेदर्स और सबकी प्रॉबिलिटी को अगर मैं सम करूँ तो दैट्स बेसिकली वन. अगर मैं कोई डाई रोल करती हूँ तो जितनी भी वो छः उसके पास ऑप्शन हैं तो छः की जितनी प्रॉबिलिटीज़ हैं, चाहे वो बायस्ड हो या अनबायस्ड हो, उन छः की प्रॉबिलिटीज़ को अगर मैं सम करूँ दैट शुड ऑलवेज भी इक्वल टू वन. सो ये बहुत मेजर कंसिडरेशन ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए. लाइकवाइज अगर एक प्रॉबिलिटी ऑफ ए इज़ 0.5 फॉर सपोज, तो प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट बींग ए विल ऑलवेज भी इक्वल इन टू 1 माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए. दैट शुड बी नोन कि अगर प्रॉबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.6 फॉर सपोज, तो प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए विल बी 1 माइनस 0.6, दैट इज 0.4. ये बेसिक नोशन हैं जो पता होने चाहिए, ठीक है. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लेट्स से प्रायर प्रॉबिलिटी. इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक होती है कंडीशन प्रॉबिलिटी, एक होती है अनकंडीशन प्रॉबिलिटीज. कंडीशन प्रॉबिलिटीज़ होती हैं बेस्ड ऑन सम एविडेंसेज होती हैं. अनकंडीशन प्रॉबिलिटीज़ होती हैं इसमें कोई एविडेंस नहीं आपको प्रोवाइडेड होता, गिवन दैट वाली कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं हुई हुई होती, आपको सिंपल एज दैट एक अनकंडीशनल प्रायर प्रॉबिलिटी प्रॉबिलिटीज़ बता दी होती हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू समथिंग, प्रॉबिलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू समथिंग. तो ये अनकंडीशनल प्रॉबिलिटीज़ हैं. अनलाइक दिस कंडीशनल प्रॉबिलिटीज़ है जिसमें कोई एविडेंस प्रोवाइडेड किया हुआ होता है. जैसे फॉर सिंपोज प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, सो बेसिकली नाउ इट्स नॉट जस्ट प्रॉबिलिटी ऑफ ए, इट्स बेसिकली प्रोवाइडेड ऑन सम एविडेंस और सम इंफॉर्मेशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज़ की कंडीशन प्रॉबिलिटी क्या है. इन फैक्ट कंडीशन प्रॉबिलिटी यूज़ होगी हमारे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में. ये जो कंडीशन गिवन दैट वाली इंफॉर्मेशन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है आगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में. वील बी स्टडिंग नाइव बेस्ड क्लासिफायर्स एंड उसके मैं दो टाइप्स करवाती हूँ. वन इज़ इंक्लूडेड इन द कोर्स एंड द सेकेंड इज़ प्रॉब्ली नॉट इंक्लूडेड इन द कोर्स, बट आई डू मेक स्टूडेंट्स टीच गो फॉर इट बिकॉज वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है एंड उसके थोड़ी डिफिकल्ट है, वो थोड़ी ML डोमेन है, मशीन लर्निंग में वो पढ़ाई जाती है, लेकिन इट्स वेरी नाइस वन बिकॉज इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ अ सिंपल नाइव बेस्ड क्लासिफायर. नॉर्मल नाइव बेस्ड क्लासिफायर सबको पता होता है, बट दैट वन इज अ मॉडिफिकेशन, वो हम आगे देखेंगे, डोंट वरी. सो दिस वॉज कंडीशन प्रॉबिलिटी. ना इसी तरह जैसे अगर कंडीशन प्रॉबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज बेसिकली फॉर एग्जाम्पल इट्स प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी अगर होता है तो इस बेसिकली जो उसका हम लोग ओपन अप करते हैं तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है एंड ए इंटरसेक्शन बी और ए कॉमा बी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी भी लिख सकते हो और यू कैन राइट ए इंटरसेक्शन बी बाय बाय प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला ऑफ कंडीशन प्रॉबिलिटी जिसमें कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है. सो लाइकवाइज अगर हो जाता प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो जाता तो प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ ए हो जाता, मतलब ये चीज़ जो है डिनोमिनेटर में आ जाता है एज प्रायर प्रॉबिलिटी, ठीक है. इस पर हम इसकी मॉडिफिकेशन आगे क्लासिफायर में आएगी तो वो मैं तब कराऊँगी. नाउ एक और फार्मूला जो बहुत ईजी सा फार्मूला है दैट इज़ टॉट इन प्रॉबिलिटी कोर्स, उसमें होता है कि दैट इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. तो बेसिकली हम इसको जो लिखते हैं वो इस तरह लिखते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो जो फॉर्मूलाज इन टोटल आपको पता होने चाहिए अपने इस चैप्टर के लिए, बेसिकली अब से जो चैप्टर्स एआई के स्टार्ट होंगे उसमें पूरी बुक को वी आर नॉट फॉलोइंग इट. हम लोग सिर्फ वो करते हैं कि जो टॉपिक पर्टिकुलरली पढ़ाना होता है हम वो पढ़ाते हैं एंड वी आर नॉट फॉलोइंग द बुक स्ट्रिक्टली. सो इसमें जो है कि अगर आप वीडियो लेक्चर प्रॉपरली देखें तो आपके लिए सफिशेंट हो जाता है बिकॉज व्हाट आई डू इज़ कि आई एम मिक्सिंग अप नॉलेज ऑफ अ लॉट ऑफ बुक्स ऑफ अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑफ अ लॉट ऑफ डेटा सेट्स व्हिच आई हैव स्टडीड.
तो उसका कॉम्बिनेशन एक मिक्स जो उस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपको एक्सपोजर चाहिए था वो मैं सारा फिटिंग कर देती हूँ. तो डू नॉट फॉलो बुक फॉर सच फॉर द फॉलोइंग चैप्टर्स, करनी है तो आपकी मर्जी है. बट वट वी डू इन दिस टॉपिक इज के जो हमारे पास मिक्स ऑफ नॉलेज जितना भी पढ़ा होता है उस टॉपिक से रिलेटेड एंड जितना हमें कहा जाता है आपको बताने को हम उतना बता देते हैं. एंड मैक्स से मैक्स कोशिश होती है कि ज़्यादा बता दें थोड़ा सा, लेकिन उसके साथ आई डू टेल कि ये चीज़ कोर्स में इंक्लूड नहीं है, एक्स्ट्रा है. सो जो फॉर द प्रॉबिलिटी जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि प्रॉबिलिटी कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है. एंड प्रायर प्रॉबिलिटीज़ जो बेसिक प्रॉबिलिटीज़ आपको डायरेक्टली गिवन हुई होती हैं बगैर किसी एविडेंस के. कंडीशन प्रॉबिलिटीज़ होती हैं जिसमें एक गिवन वाली जो इन्फॉर्मेशन आती है तो ये कंडीशन होती है जिसमें कोई एविडेंस प्रोवाइडेड हो कि गिवन दैट ये चीज़ हो रही है. उसका जो ओपन अप फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ए गिवन बी है अगर, तो जो गिवन वाली इन्फॉर्मेशन है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है एज प्रायर प्रॉबिलिटी एंड इन दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाता है, ठीक है. विल बी ऑल्सो स्टडिंग बेस रूल, तो वो बेस रूल इसका एक इसको जो है सब्सटीट्यूट करता है किसी और चीज़ से, लेकिन फिल वक्त के लिए राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ बी. यही अगर प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो जाता तो होता प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ ए. जो फॉर्मूला एक और आपको बताना चाहिए दैट इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट अप एक और चीज़ जो नोशन पता होना चाहिए दैट शुड बी रूल ऑफ इंडिपेंडेंस. बेसिकली इंडिपेंडेंस मीन्स के जो है पर्टिकुलर जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है. उनका डिसीजन जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो. जैसे यहाँ पे ये डिपेंडेंट है अगर, तो दैट मीन्स के प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है. ए गिवन बी है तो हम इसको यूज़ करें इन्फॉर्मेशन को. लेकिन अगर यही प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हो जाता और मैं कहती कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो फिर प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में प्रॉबिलिटी ऑफ ए आ जाता आज आंसर. वाई? बिकॉज अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं ऑफ ईच अदर तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का जो फॉर्मूला होता था वो ये होता था कि हम कहते कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज़ प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है. सो नाउ अगर ए इंटरसेक्शन बी करना है तो वी नीड टू फाइंड द कॉमन थिंग. लेकिन अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल इन टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए इन टू प्रॉबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि नाउ दे बोथ आर इंडिपेंडेंट इसलिए इनका कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो रिमेंबर दिस, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आपको निकालना हो, ठीक है, दैट इज़ देयर कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, और कह दिया जाए कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो फिर आप कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल सकते बिकॉज नाउ दे हैव सेड इट एक्सप्लिसिटली कि ये दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हैं. अगर दोनों इंडिपेंडेंट एंटिटीज़ हों तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकलेगा और इक्वलेंट क्या हो जाएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा इक्वलेंट टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रॉबिलिटी ऑफ बी. दिस इज द केस व्हेन आई एम सेइंग कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो हमने सिंपली पहले इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जो कि इसका बेसिक फॉर्मूला था अभी हमने पीछे पढ़ा. तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर इंडिपेंडेंट हो तो होता है प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी प्रॉबिलिटी ऑफ बी पढ़ा है. सो प्रॉबिलिटी ऑफ बी एंड प्रॉबिलिटी ऑफ बी गेट्स कैंसल्ड, ठीक है. सो प्रॉबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो गए, सो बचा आंसर सिर्फ प्रॉबिलिटी ऑफ ए. दैट इज़ वाई सेड कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए. सो दैट इज़ व्हाट इंडिपेंडेंस इज़, ठीक है. ये चीज़ पता होनी चाहिए, बस ये रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालना हो, दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हैं, तो हो जाएगा प्रॉबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी. सो ऑटोमेटिकली इसका जो फॉर्मूला है वो इनको कट डाउन कर देगा एंड फिर यही आंसर हो जाएगा. यही अगर प्रॉबिलिटी ऑफ बी गिवन ए होता तो हो जाता प्रॉबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ ए, तो ये कट डाउन हो जाता और आंसर बच जाता सिर्फ प्रॉबिलिटी ऑफ बी. दिस इज व्हाट द नोशन ऑफ इंडिपेंडेंस इज, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इन शॉर्ट सिर्फ प्रॉबिलिटीज़ में ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. आगे जो जो क्लासिफिकेशन में आती जाएंगी वो मैं बताती जाऊँगी. हाँ, विल डू अ लिटिल सम ऑफ द एग्जाम्पल्स बिकॉज प्रॉबिलिटी के क्वेश्चन जो हैं बहुत सिंपल से आते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आती एग्जैक्टली कि क्या हमने निकालना है, कैसे निकालना है, क्या कौन सी प्रॉबिलिटी निकालनी है, कौन सी नहीं निकालनी है, सो दैट इज़ वेयर द कन्फ्यूजन एग्जिस्ट. सो आई विल बी सॉल्विंग 2 to 3 एग्जाम्पल्स, तो उससे थोड़ा शायद क्लियर हो जाए. दिस वन इज़ योर बुक एग्जाम्पल जो मैंने निकाली है, बस इसमें एक टेबल पढ़ा हुआ है.
जिसमें कैविटी नॉट कैविटी, टूथ एक नॉट टूथ एक, कैच एंड नॉट कैच. ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली, दिस एंटायर टेबल इज नोन एज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. इसमें होता क्या है, वो ये होता है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको जॉइन करके आप सबकी प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं. दैट इज कि कैविटी जो है उसके कितने ऑप्शन हैं, टोटल टू. टूथ एक है, उनकी कितने ऑप्शन है, दो, क्योंकि टूथ एक या तो होगा या तो नहीं होगा, सिर्फ यही है. कैच के क्या ऑप्शन है, कैच या नॉट कैच, दैट इज टू अगेन. तो टोटल टू टू द फोर, फोर टू द एट, एट ऑप्शन टोटल बने. आज यू सी 1 2 3 4 5 6 7 8, इन टोटल जो है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन जो बन पाए वो 8 ऑप्शन बन पाए. ये कैविटी के दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, टूथ एक के दो ऑप्शन हो सकते हैं, नॉट कैच के दो ऑप्शन हो सकते हैं. यहीं अगर एक और वेरिएबल ऐड कर देती मैं, फॉर सपोज वेदर, तो वेदर के फोर ऑप्शंस हो जाते, तो यहाँ पे चार में लिख देती एंड हो जाता फिर 32 ऑप्शंस हो जाते. नाउ यूजिंग दिस टेबल फॉर एग्जांपल, इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी, ठीक है, लेट्स सपोज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी क्या हो जाएगी, कैविटी वाली रो पे जाऊंगी एंड इस पूरी इंटायर रो के मैं वैल्यूज़ को सम अप कर दूंगी टू से कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी है. व्हाई, बिकॉज इट्स नॉट asking based on some evidence, ये एक prior probability मांग रहा है, unconditional probability, की probability of cavity सिर्फ क्या है, बेशक उसको कुछ भी हो, बस सिर्फ probability of cavity निकालनी है. तो हम सिर्फ probability of cavity ऐसे निकालेंगे, you go to the entire row and you add the value, that is probability of cavity equals to 0.108 plus 0.012 plus 0.072 plus 0.008, जो इन चार की values को सम करके आंसर आएगा, that will be probability of cavity. Next up I have probability of toothache. So toothache is this, that means these four values are coming under the heading of toothache irrespective of the fact कि वो cavity है कि नहीं है, catch है कि नहीं है, because इन्होंने सिर्फ prior probability मांगी है, उस पर कोई evidence उन्होंने और कुछ साथ में नहीं दिया. So probability of toothache will be 0.108 plus 0.012 plus 0.016 plus 0.064. Okay. सो नेक्स्ट अप आई हैव इस प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक और कैविटी. अब इसमें हम सिंपल फार्मूला वो वाला लगा सकते हैं जिसमें हम लोगों ने फार्मूला अभी किया था, जो ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल एज दैट. हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि टूथ एक और कैविटी कहा गया, दैट मीन्स कैविटी वाले को सम करें और टूथ एक वाले को, और इसमें से इंटरसेक्शन निकाल दें. ठीक है, तो दैट इज के 0.108, 0.012, 0.072, 0.008 प्लस 0.016 प्लस 0.064. मैंने वापस से 0.108 और 0.012 टूथ एक के लिए एडअप नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी कैविटी के वक्त एडअप हो गया है. तो उसने प्रोबेबिलिटी जो मांगी थी वो मांगी थी कैविटी और टूथ एक, तो मैंने सिंपल किया कैविटी को ये और टूथ एक, तो ये और ये ऐड कर दी, इन दोनों को वापस जो है एडअप नहीं किया, ऑलरेडी एडअप हो गए. अगर आप वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एडअप करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी लिखेंगे आप, दैट इज दीज फोर वैल्यूज, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक लिखेंगे, ये चार वैल्यूज माइनस ये दोनों कर देंगे, बिकॉज टूथ एक एंड कैविटी की इंटरसेक्शन पॉइंट इज दीज टू वैल्यूज 0.108 एंड 0.012. ठीक है, तो जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है वही होंगी, दीज फोर वैल्यूज प्लस दीज फोर वैल्यूज माइनस दीज टू वैल्यूज, तो इन शॉर्ट वही आंसर आपको दे देगा. ठीक है, नेक्स्ट आई हैव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी गिवन टूथ एक. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी गिवन टूथ एक का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी गिवन टूथ एक, दैट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक जो है वो आएगा डिनोमिनेटर में, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी इंटरसेक्शन टूथ एक जो है वो आएगा न्यूमरेटर में. तो कैविटी एंड टूथ एक का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, ठीक है, बिकॉज कैविटी एंड टूथ एक का यही इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉट कैविटी है. तो कैविटी एंड टूथ एक का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, दैट मीन्स न्यूमरेटर में जो होगा एडअप वो होगा 0.108 प्लस 0.012. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक क्या है, these four values, that is 0.108, 0.012, 0.016 and 0.064. so in total जो होगा probability of cavity given toothache होगा cavity in toothache 0.108 plus 0.012 divided by probability of toothache जो के है 0.108 plus 0.012 plus 0.016 plus 0.064.
ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी गिवन टू एग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैविटी गिवन टू एग. नाउ एक तो तरीका है कि आप वैसे ही जिस तरह ये वाला फॉर्मूला निकाला था वैसे ही करें कि यहाँ पर से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैविटी एंड टूथ एग डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एग. लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है. शॉर्टकट ये है बेसिकली कि अगर जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी जब प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 0.6 होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए का वैल्यू जो होती है होती है 1 - 0.6 इक्वल्स टू 0.4. ठीक है, नाउ वी हियर कैविटी के ऑप्शंस क्या क्या हैं. इट इज़ ईदर कैविटी और नॉट कैविटी. ठीक है, तो लेट्स सपोज ये जो हमने कैलकुलेट किया है इसकी वैल्यू आई है 0.6, लेट्स अज्यूम हाइपोथेटिकली. तो अभी आपको कहा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैविटी गिवन टू एग, गिवन दैट अगर इन दोनों का देखा जाए तो सेम एविडेंस है. ठीक है, और ये जो है ये ए है और नॉट ए है ये सपोज कर लें. सो अगर गिवन दैट सेम इंफॉर्मेशन हो, दैट इज गिवन दैट टू एग, गिवन दैट टू एग, और ये चीज़ जो है ए और नॉट ए हो, तो आपने सिंपल क्या करना है कि अगर ये 0.6 है तो ये 1 - 0.6 हो जाएगा. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी आपको पता है और आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन सेम एविडेंस, सेम. ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे बी कॉमा सी कोई एविडेंस आ जाए या यहाँ नॉट ए गिवन सी कोई और एविडेंस. नो, आई एम सेइंग गिवन दैट सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अगर हो और यहाँ पे ए और नॉट ए हो, तो अगर ये 0.6 है तो दिस इज 0.4, एज ऑब्वियस 0.6 प्लस 0.4 इक्वल्स टू 1. अगर ये आपने निकाल लिया है 0.4, आपको ये निकाले तो 1 - 0.4 करें, ये निकल आएगा. ठीक है, तो ऑल आई एम सेइंग इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग गिवन सम एविडेंस और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट समथिंग गिवन सेम अमाउंट ऑफ एविडेंस इज लाइक समेशन, दोनों का कर दो तो 1 आना चाहिए. ठीक है, हमेशा याद रखना. एंड रिमेंबर दिस गिवन सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इफ दिस इज फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉमा सी एंड यहाँ निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन सेम, तो फिर ही ये वाली चीज़ कर सकते हैं. अगर ये हो जाता तो फिर सेम एविडेंस नहीं रहा. ठीक है, नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. दैट इज कि जब आप फॉर एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन कह रही हूँ मैं कि इन दोनों का सम जो है वो 1 आएगा हमेशा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एविडेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन सेम एविडेंस विल ऑलवेज लीड टू अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, इन दोनों का समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विल ऑलवेज लीड टू 1. तो क्यों लीड करता है 1 हमेशा, इज बिकॉज ऑफ सम नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट जो इन दोनों में प्रेजेंट है एज कॉमन थिंग. अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी गिवन टूथ एक में प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी इंटरसेक्शन टूथ एक था एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एज डिनोमिनेटर था. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैविटी गिवन टूथ एक कैलकुलेट करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैविटी इंटरसेक्शन टूथ एक था एंड डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक था. सो अगर इनका न्यूमरेटर देखूँ तो दोनों का डिफरेंट है. ठीक है, बट अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर देखूँ तो इट्स द सेम. ठीक है, सो दैट इज़ वाई, बिकॉज इनका जो डिनोमिनेटर है वो जो सेम चीज़ है वो बेसिकली इनको एज नॉर्मलाइज करके बेसिकली इनका समेशन 1 की तरफ लीड कर रही है. अगर मैं इसको ना ऐड करती, सिर्फ इन दोनों को यूज़ करूँ, तो इनका सम 1 नहीं आएगा. ठीक है, इनका जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है वो इनको बेसिकली डिवाइड करवा के इन दोनों का सम 1 की तरफ लाता है. सो बेसिकली ये जो दोनों हैं ये डिफर कर रहे हैं, लेकिन इनको जो डिवाइड करवा रहा है वो सेम क्वांटिटी है एक जो डिवाइड करवा रही है और इन दोनों को उस वैल्यू पे ला रही है कि इन दोनों का जो सम है वो 1 हो जाए. तो बेसिकली रिमेंबर दिस कि नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट इन कंडीशन प्रोबेबिलिटी इज़ द 1 विच इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म यूज जो नॉर्मलाइज करवा रही है इन दोनों वैल्यूज को, उनका सम जो है इक्वल्स टू 1 लेकर वापस आ रही है. ठीक है, सो इनका डिनोमिनेटर जो है वो बेसिकली दोनों का सेम है. सो दैट इज़ व्हाट द नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट इज़, कि डिनोमिनेटर उन पर्टिकुलर दो चीज़ों का सेम हो जो इन दोनों को डिवाइड करवा के एक ऐसी वैल्यू पे ले कि इन दोनों का सम जो है 1 ले आए. सो दिस विल ऑल्सो बी डिस्कस्ड विद इन द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम जब मैं करवाऊंगी 9th क्लासिफायर, उसमें भी ये कॉन्स्टेंट यूज़ हो रहे होते हैं. और ये कॉन्स्टेंट कैलकुलेट ना करें हम तो फिर 1 आंसर नहीं आएगा, दोनों का सम 1 नहीं आएगा. एंड ये निकालना बहुत आसान है, बिकॉज अगर आपने ये और ये कैलकुलेट कर लिया है तो इन दोनों का सम भी अगर कर दें आप तो आपको आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एग. बिकॉज अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एग है क्या, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी एंड टूथ एग जो है वो ये है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैविटी एंड टूथ एग ये है,
तो बेसिकली इसका और इसका सम कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक बन जाता है. बेसिकली इसका और इसका सम जो है मैं कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक बन जाता है. व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ कैविटी एंड टूथ एक क्या है? दिस थिंग, दीज टू. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कैविटी एंड टूथ एक क्या है? दीज टू. और प्रोबेबिलिटी ऑफ टूथ एक एग्जैक्टली क्या है? ये चारों की चारों. तो बेसिकली अगर मैं देखूँ तो इसके न्यूमरेटर और इसके न्यूमरेटर का जो सम है, अगर मैं वो ऐड अप कर दूँ तो डिनोमिनेटर बन जाता है, जो इनके कांस्टेंट का नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो होता है. सो नेक्स्ट अप आई हैव इज एन एग्जांपल. आई विल बी हैविंग टू एग्जांपल्स. बेसिकली वन इज फ्रॉम योर बुक, दिस वन इज फ्रॉम द बुक वन, द डॉक्टर वन, एंड दिस वन इज फ्रॉम अ पास्ट पेपर. आई गेस टू ईयर्स बैक वाला क्वेश्चन है एक. सो दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. दिस इज एग्जाम्पल टू शो कि कैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं फाइनल्स में एंड बच्चे फ्री के मार्क्स मिस आउट कर देते हैं. मतलब इसमें सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है लेकिन सिर्फ बच्चों को ये समझ नहीं आता, दे आर नॉट एबल टू डिड्यूस के वर्ड दे हैव टू एग्जैक्टली फाइंड आउट. एंड जो नहीं ढूंढना होता वो ढूंढ देता है, जो ढूंढना होता है वो कभी मिला ही नहीं जाता उनसे. सो नाउ वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आई गेस मिस्ड आउट इज बेसिकली द बेस रूल, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड ये हर डेटा साइंस के बच्चे को पता होना चाहिए, हर IR स्टूडेंट के बच्चे को पता होना चाहिए, हर जो मशीन लर्निंग पढ़े आगे उसको पता होना चाहिए. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. इट्स बेसिकली यूजिंग द कंडीशन प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला. कंडीशन प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला था दैट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो दैट वाज द बेसिक फॉर्मूला व्हिच वी डिड. इसी को बेस रूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो बेसिकली व्हाट इट डज इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी में डिनोमिनेटर सेम रहता है और इस चीज़ को वो कन्वर्ट कर देता है टू द फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो बेसिकली उसने किया क्या है, सिंपल एज दैट. अगर आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला ये होता है जो है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए अगर मैं लिख दूँ तो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. यही होता है अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लिख देती. ए गिवन बी का ये फॉर्मूला है, बी गिवन ए का ये फॉर्मूला है. तो उसने सिंपल एज दैट किया सिर्फ ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को जो यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया इससे. सो बेसिकली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो उसने सिर्फ इस चीज़ को जो पूरी है इसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया है इधर. तो आपका ये फॉर्मूला बन गया एज बेस रूल. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड इज बेस रूल कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सो ये तो ये इसका डिनोमिनेटर तो सेम रहा, सिर्फ ये चीज़ जो है हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिया. दिस इज व्हाट द मॉडिफिकेशन इज. दिस इज नोन एज द बेस फॉर्मूला एंड यू शुड रिमेंबर दिस फॉर लाइफ इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर डेटा साइंसेस. ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है. तो इसमें बेसिकली हम लिखते कैसे बेस रूल में, वो ये होता है कि probability of cause given effect equals to denominator में क्या आ जाएगा, probability of effect as obvious, and यहाँ पे आ जाएगा probability of effect given cause into probability of cause, ठीक है. so exactly इसका मतलब क्या है, ये 9th base में आपको बहुत अच्छा समझ आएगा. cause होते हैं result, या ये कह लो जो आपका label attribute होता है ना, that means के क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम होती क्या है कि आपके पास बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हों जो कि आपके सिम्टम्स हों एंड आपको फिर बताना हो, लेबल देना हो कि इसको क्या क्लासिफाई करें, इसको बीमारी है या नहीं है. फॉर एग्जांपल कि आजकल जो कोरोना वायरस चला हुआ है तो उसमें आपके पास बहुत सारे सिम्टम्स हों, देन यू हैव टू क्लासिफाई कि इस बंदे को कोरोना है या नहीं, येस और नो. सो बेसिकली दिस इज़ लाइक येस और नो. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ येस गिवन द सिम्टम्स, सो यू कैन से अफेक्ट कैन बी योर एविडेंस और योर सिम्टम्स, ठीक है. तो वही आपको निकालना होता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ येस, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग कोरोना गिवन सम सिम्टम्स, या प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग कोरोना गिवन सिम्टम्स. तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई होती है हम उसको लेबल कर देते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोना गिवन सम सिम्टम्स आई 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट कोरोना गिवन द सेम सिम्टम्स आई 0.4, तो ऑब्वियसली फिर आपको कोरोना है क्योंकि कोरोना की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आई है, 0.6 आई है, ठीक है. तो वो फिर हम निकालते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू. दैट मीन्स कि फिर हम इस चीज़ को सॉल्व करते हैं एंड ये चीज़ हम निकालते हैं,
ठीक है, तो ये बेसिकली है कि किस तरह हम बेस रूल को यूज़ करते हैं फॉर आवर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स व्हिच वील डू अहेड. ठीक है, तो फिर उसके बाद वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन एज अ डॉक्टर. डॉक्टर की एग्जांपल है जो उसमें नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो ये वाली है कि बुक वाली एग्जांपल है. ठीक है, सो द डॉक्टर नोज दैट द डिजीज मेनिंजाइटिस कॉजेज द पेशेंट टू हैव अ स्टिफ नेक. ओके, इसमें व्हाट वी हैव टू फाइंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेनिंजाइटिस गिवन स्टिफ नेक. ठीक है, तो इसमें अब जो जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना था वो इस तरह करना होता है कि आपको जो जो प्रोबेबिलिटीज मिल रही है ना यहाँ पे, जैसे ये एक है चीज़, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, तो इन सबको नोट डाउन कर लो सबसे पहले कि ये क्या है, मतलब इसको आज क्या कहेंगे, कुछ कंडीशनल है या प्रायर प्रोबेबिलिटी है, जो भी है वो चीज़ आपको सबसे पहले लिख लेनी चाहिए ताकि आपको कोई भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि द प्रायर यहाँ जैसे इस जगह अगर देखें एंड द प्रायर प्रोबेबिलिटी दैट एनी पेशेंट हैज़ अ स्टिफ नेक इज़ 1%, दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिफ नेक इज़ 1%, दैट इज़ 0.01. ठीक है, ये चीज़ हो गई है. देन अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे ईजी होती है प्रायर प्रॉबिलिटीज़ को लिखना बिकॉज उसमें कोई कंडीशन वगैरह नहीं होती है. तो जैसे ये वाली चीज़ हमारी हो गई द प्रायर प्रॉबिलिटी दैट द पेशेंट हैज़ मेनिंजाइटिस इज़ 1/50,000. सो ये भी प्रायर प्रॉबिलिटी, सिंपल कोई एविडेंस नहीं चाहिए, 1/50,000, ये चीज़ हो गई है. नेक्स्ट अप दिस थिंग, अ डॉक्टर नोज दैट द डिजीज मेनिंजाइटिस कॉजेज द पेशेंट टू हैव अ स्टिफ नेक 70% ऑफ द टाइम. नाउ लुक केयरफुली कि एग्जैक्टली इसको कैसे लिखना होगा. नाउ दिस इज नो मोर अ प्रायर प्रॉबिलिटी. इसने कहा है कि दैट द डिजीज मेनिंजाइटिस कॉजेज द पेशेंट टू हैव अ स्टिफ नेक, दैट मीन्स दैट द प्रॉबिलिटी ऑफ हैविंग अ स्टिफ नेक गिवन कि उसको मेनिंजाइटिस है. व्हाई? बिकॉज ही सेड दैट द डिजीज मेनिंजाइटिस कॉजेज द पेशेंट टू हैव अ स्टिफ नेक. ही हैव अ स्टिफ नेक गिवन कि उसको मेनिंजाइटिस है तो ही, बिकॉज इसमें इस चीज़ को यूज करते हुए प्रॉबिलिटी बताई जा रही है. दैट मीन्स गिवन दैट ही इज मेनिंजाइटिस इट कॉजेज हिम टू हैव अ स्टिफ नेक 70% ऑफ द टाइम, दैट इज 0.7. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ मेनिंजाइटिस गिवन स्टिफ नेक. अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ मेनिंजाइटिस गिवन स्टिफ नेक करूँ और बेस्ड रूल के अकॉर्डिंग जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिफ नेक गिवन मेनिंजाइटिस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मेनिंजाइटिस डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिफ नेक. नाउ आई टू चेक कि मेरे पास ये वैल्यूज हैं या नहीं है, सिंपल एज दैट. आई हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, I have probability of S and I have probability of S given M as well. Simple as that, probability of S given M is 0.7. Probability of M is 1/50,000 and probability of S is basically 0.01. And this is what your answer will be. Simple as that. ठीक है, सो इस तरह के प्रॉब्लम जो हैं वो बहुत ईजीली सॉल्वेबल होते हैं लेकिन गलत हो जाते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. The answer is either correct or it's not correct. आपने गलत कर दिया, it's a straight away zero. You cannot get marks on it. ठीक है, now this one is the past paper problem जो कि add up की है for your practice. Now what I'll advise is कि again माननी है तो मानो, नहीं मानिए ना मानो, but ये question अगर खुद से पहले practice करो तो अच्छा होगा. Then watch the solution so that you can know कि exactly where you are wrong. ठीक है, वेयर यू नीड प्रैक्टिस और कहाँ क्वेश्चन समझ आने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ताकि यू कैन गो फॉर सम गुड एग्जाम्पल्स फॉर द हेड. सो सबसे पहले जो इसमें दो पार्ट्स हैं, ठीक है, नाउ इफ़ यू गो फॉर कि क्या क्या हमें गिवन है, मतलब क्या क्या प्रॉबिलिटीज़ हमें गिवन है, सो वो देखा जाए तो मलेरिया इज़ वेरी कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज, चांस ऑफ गेटिंग मलेरिया इन 1 in 1,000, दैट मीन्स कि ये प्रायर प्रॉबिलिटी है, तो दैट इज प्रॉबिलिटी ऑफ मलेरिया is 1/1,000. ठीक है, ये चीज़ हो गई है. 90% ऑफ द टाइम इफ पीपल हैव मलेरिया देन दे कैन हैव हाई फीवर. ठीक है, सो इफ दे हैव मलेरिया दे कैन हैव हाई फीवर, मीन्स के फीवर गिवन मलेरिया इज 0.9. ठीक है, व्हाई? बिकॉज इट सेड कि 90% ऑफ द टाइम इफ पीपल हैव मलेरिया देन दे कैन हैव हाई फीवर, दैट मीन्स कि एविडेंस जो है वो आपका क्या है, वो मलेरिया है, एंड अगर वो है तो आपको फीवर होने के चांसेस इतने हैं. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन ही हैज़ मलेरिया इज 90% चांसेस, इसको मलेरिया है तो उसको फीवर होने के चांसेस 90% हैं. ये चीज़ भी कवर हो गई है. ओके, नेक्स्ट आई हैव इज 15% द पीपल मे हैव हाई फीवर गिवन दैट दे हैव अदर डिजीजेस सच एज फ्लू, टीबी एक्सेट्रा. तो इसमें तो गिवन दैट की टर्म भी यूज हो गई है, दैट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन
not malaria you can say, or you can say probability of fever given diseases, but it's like आपको ये simple कह दिया ना उसने कि may have high fever given that other diseases, that means कि he's not having malaria, he's having something else. तो वट एवर इट इज़, इट्स नॉट मलेरिया. तो इसलिए मैंने लिख दिया कि प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर गिवन नॉट मलेरिया. नॉट मलेरिया मीन्स ही इज हैविंग सम अदर डिजीजेज एक्सेप्ट मलेरिया. सो उसके चांसेस क्या हैं, इट्स 15%, दैट इज 0.15. ठीक है ना, लुक केयरफुली. जो मैंने चीज़ कही थी वो ये कही थी कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन एविडेंस प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन सम एविडेंस इक्वल्स टू 1. लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं है. इट्स लाइक एविडेंस जो है वो ए और नॉट ए है, गिवन ये जो सिम्टम्स हैं जो रिजल्ट्स हैं वो सेम है, तो इनका सम वन नहीं होगा. वाई, जो मैंने चीज़ कही थी वो क्या कही थी, वो ये कही थी कि प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन सिम्टम्स प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन सेम सिम्टम्स विल बी 1. ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ उल्टा है. अगर यहाँ पे ये सेम चीज़ हो, ये चीज़ एम में नॉट एम हो गई है, तो आपको लगे कि अब इसको भी समेशन जो 1 होना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, सो गिवन दैट सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और ये जो है ए नॉट ए हो सकता है. ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट्स हैं ये मतलब ए और नॉट ए हो, गिवन जो होनी चाहिए वो सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यह इनका सम 1 नहीं होगा. ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन इसलिए मैंने क्लियर की कि शायद किसी को ना हो कि वहाँ पे अगर ये सिर्फ चीज़ चेंज हो रही है और ये सेम है तो 1 है, तो यहाँ भी तो ये सेम है और ये सिर्फ चीज़ चेंज हो रही है तो उसका भी सम 1 होना चाहिए, ऐसा नहीं है. ठीक है, गिवन दैट सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इन दोनों को जो है वो अपोजिट होना चाहिए, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर होना चाहिए. सो ये सारी हमने इंफॉर्मेशन निकाली, मतलब दिस इज़ द इंटायर इंफॉर्मेशन विच वी आर गिवन. हमने ये जो तीन चीज़ें थी क्वेश्चन में, ये सारी की सारी लिख ली हैं. ठीक है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा प्रॉबिलिटी का क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करो. क्वेश्चन में जो प्रॉबिलिटीज गिवन है पहले उनको नोट डाउन कर लो कि उनकी नोटेशन क्या होगी, एग्जैक्टली उनकी नोटेशन क्या होनी चाहिए. फीवर गिवन मलेरिया, फीवर गिवन नॉट मलेरिया, प्रॉबिलिटी ऑफ मलेरिया, तो ये सब चीज़ें नोट डाउन कर लेनी चाहिए. सो योर क्वेश्चन बिकम्स वेरी ईजी टू सॉल्व. नाउ वट वी हैव टू फाइंड इज, फाइंड आउट दैट इफ़ यू हैव हाई फीवर वट इज़ द प्रॉबिलिटी दैट यू हैव मलेरिया. सो दैट इज़ वी हैव टू फाइंड प्रॉबिलिटी ऑफ हैविंग मलेरिया गिवन यू हैव हाई फीवर. ठीक है, सो नाउ अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सो प्रॉबिलिटी ऑफ मलेरिया गिवन फीवर, तो इसका फॉर्मूला इज बेसिकली बेस रूल में देखूँ तो फीवर गिवन मलेरिया इनटू प्रॉबिलिटी ऑफ मलेरिया डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर. तो प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर गिवन मलेरिया मेरे पास पड़ा हुआ है एज बेसिकली 0.9. ठीक है, प्रॉबिलिटी ऑफ मलेरिया भी मेरे पास पड़ा हुआ है एज 1/1000. प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर अलबत्ता मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है. ठीक है, तो एटलीस्ट पहले मैं न्यूमरेटर तो लिख लूँ. प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर गिवन मलेरिया इज 0.9, प्रॉबिलिटी इज मलेरिया इज 1/1000, एंड प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर जो है अब मुझे ढूंढना है. ठीक है, सो प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर एग्जैक्टली कैसे ढूंढेंगे. नाउ हाउ इट्स बेसिकली फाउंड इज कि अगर मैं ये चीज़ देखूँ कि अगर प्रॉबिलिटी ऑफ कैविटी होती थी तो मैं क्या कहती, ये पूरी रो को ऐड अप हो जाएगा, दैट इज़ कैविटी एंड टूथ एक एंड कैच नॉट कैच, प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट टूथ एक एंड कैच, प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट टूथ एक एंड नॉट कैच एंड कैविटी. तो बेसिकली हमने सारे ऑप्शंस को ट्रिवर्स किया था. यहाँ पे हमारे पास अगर जॉइंट प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मैं देखूँ तो मेरे पास क्या ऑप्शन है बेसिकली, कि या तो बंदे को फीवर होगा या फीवर नहीं होगा, या तो बंदे को मलेरिया होगा या तो नहीं मलेरिया होगा. दीज आर द ओनली 4 ऑप्शंस अवेलेबल. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मुझे प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर निकालनी है तो मुझे प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर एंड मलेरिया प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर एंड नॉट मलेरिया निकालना है, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो दैट इज़ कि अगर मैं लिखना चाहूँ प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर तो मुझे निकालना है प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर एंड मलेरिया प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर एंड नॉट मलेरिया. ना एग्जैक्टली ये प्रॉबिलिटी फीवर एंड मलेरिया मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर मैं अपने कंडीशन प्रॉबिलिटी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला देखूँ तो प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर गिवन मलेरिया इक्वल्स टू प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर एंड मलेरिया डिवाइड बाय प्रॉबिलिटी ऑफ मलेरिया, यही फॉर्मूला होता. तो अगर मुझे इसको सब्सटीट्यूट करवाना है यहाँ पर तो मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ. ठीक है, likewise probability of fever given not malaria equals to probability of fever and not malaria divided by probability of not malaria. तो basically अगर मुझे ये चीज़ figure out करनी है तो मैं इन दोनों को multiply करूँ तो ये चीज़ निकल आएगी. ये अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरे पास
जो भी ऑप्शंस हैं मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर निकालना है. जो इस केस में टोटल जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो टोटल कितने केसेस हैं, टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, या तो बंदे को फीवर है या नहीं फीवर है, या तो बंदे को मलेरिया या नहीं मलेरिया है, टोटल चार कॉम्बिनेशन बन रहे हैं. अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर निकालना है दैट मीन्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर एंड मलेरिया निकालना है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर एंड नॉट मलेरिया निकालना है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर एंड मलेरिया को मैं इस तरह के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाल सकती हूँ. लाइकवाइज इसको मैं यहाँ पे करके इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई जो हूँ करवा सकती हूँ, तो उसके बाद मेरा आंसर निकल जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन मलेरिया मुझे गिवन है, सो ये जो वैल्यू है ये गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया भी मुझे गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन मलेरिया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया मुझे दे देगा ये चीज़. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन मलेरिया है 0.9 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया है 1/1000. ये निकल आई ये चीज़. ठीक है, अब मुझे अगर ये चीज़ निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन नॉट मलेरिया क्या होगा. फीवर गिवन नॉट मलेरिया क्या है, फीवर गिवन नॉट मलेरिया इज 0.15 इंटू नॉट मलेरिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया अगर 1/1000 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मलेरिया क्या हो जाएगा, सिंपल एज दैट, 1 - 1/1000 दैट इज 0.999. ठीक है, तो इन दोनों का सम अगर मैं कर दूँ तो सिंपल एज दैट मैंने ये चीज़ यहाँ कैलकुलेट कर ली, ये चीज़ यहाँ कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू हेयर, दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू हेयर. सिंपल जो मैंने किया है वो ये किया है कि आपका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैंने सिंपल ये किया है कि इस चीज़ को निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो ये आंसर निकल आया. तो इस चीज़ को निकालने के लिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर निकल आया, और इस चीज़ को निकालने के लिए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर निकला. अब इन दोनों को सम करना था तो इसको और इसको सम कर दें, मतलब ये आंसर प्लस दिस आंसर कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर आपका आ जाएगा. ठीक है, जो भी वैल्यू है फॉर सपोज एग्जांपल आई है 0.3 आई है, सपोज सिंपल एज दैट, ये चीज़ हम न्यूमिनेटर निकाल चुके थे तो डिनोमिनेटर में हम क्या फिट कर देंगे 0.3 एंड हमारा आंसर आ जाएगा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया गिवन फीवर. नाउ नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव मलेरिया इवन दो यू डू नॉट हैव हाई फीवर. तो हमें ढूंढना क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू हैव मलेरिया इवन दो यू डू नॉट हैव हाई फीवर. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया गिवन नॉट फीवर. अगर बेस रूल से मैं देखूं तो मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फीवर गिवन मलेरिया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फीवर. ठीक है, अब इसका शॉर्टकट सिंपल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया इज 1/1000 जो कि हम डायरेक्टली पुटिंग करेंगे, दैट इज 1/1000. प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट फीवर गिवन मलेरिया, अब यहाँ पे द पॉइंट टू थिंक इज कि इस चीज़ को कैलकुलेट करने के बजाय सिंपल जो शॉर्टकट है वो क्या है, नॉट फीवर गिवन मलेरिया. प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर गिवन मलेरिया है तो प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट फीवर गिवन सेम एविडेंस क्या होगा, प्रॉबिलिटी ऑफ ए गिवन बी प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन सेम थिंग दैट इज बी इक्वल्स टू 1, राइट. तो प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर गिवन एम प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट फीवर गिवन एम इक्वल्स टू 1. तो प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर गिवन एम क्या पड़ा हुआ है, 0.9. तो प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट फीवर गिवन एम क्या हो जाएगा, 0.1. 0.9 प्लस 0.1 इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब प्रॉबिलिटी ऑफ नॉट फीवर क्या होगा, सिंपल आपने जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आपने प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर ढूंढी थी, पूरी कैलकुलेट की थी, इतनी लंबी कैलकुलेशन करके प्रॉबिलिटी ऑफ फीवर निकाला था, तो आप खौरों की तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फीवर निकालने की जगह सिंपल एज दैट, अब ये देखें आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर निकाल चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फीवर क्या होगा, 1 - व्हाटएवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर इज. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर 0.3 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फीवर क्या हो जाएगी, 1 - 0.3 विच इज़ 0.7.
ये वाली वैल्यू बाय द वे मैंने हाइपोथेटिकली ऐसी निकाली है रैंडम, इसको निकालना है ऐसे, ये मैंने पूरा जो निकाल दिया इस तरह निकालना है, मैंने हाइपोथेटिकली आंसर 0.3 निकाले बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव कैलकुलेटर, तो इसकी जो भी आंसर निकलेगी वो आप यहाँ लिखेंगे एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फीवर वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर। तो कहने का मकसद ये है बेसिकली कि आप हॉरों की तरह हर चीज़ वापस भी कैलकुलेट ना करें, जो जो चीज़ें आपको पता चलती जाएँ आप उनको नोट डाउन एक साइड पे करते जाएँ रात, ताकि आगे पार्ट में अगर वो यूज़ होने किसी भी तरीके से तो वो यूज़ हो पाए। जैसे यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फीवर गिवन मलेरिया, अब अगर कोई खौर बंदा वापस से इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करे तो यू जस्ट वेस्टिंग टाइम। वाई? बिकॉज हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर गिवन मलेरिया जो था वो प्रेजेंट पड़ा हुआ है, तो नॉट फीवर गिवन सेम थिंग गिवन सेम मलेरिया सिंपल क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.9 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ मलेरिया हमारे पास पड़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फीवर सिंपल उससे कैलकुलेट करने जो पार्ट है। तो अगर नोट किया जाए तो इस क्वेश्चन में द इंटायर वर्किंग वाज जस्ट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर ऑन पार्ट ए, सिंपल एज दैट, एंड पार्ट बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाना था, क्योंकि पार्ट ए में भी अगर आप देखें सिंपल तो मैंने किया क्या है, पार्ट ए में ये चीज़ इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये भी इंफॉर्मेशन गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इस चीज़ को पूरा कैलकुलेट करने के लिए पूरी कैलकुलेशन की है और कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं किया, सिर्फ ये एक चीज़ काम की है पार्ट ए के लिए, एंड पार्ट बी में इन्हीं इंफॉर्मेशन को यूज़ करके सिंपल एज 2 मिनट में आंसर निकाल लिया। सो यू हैव टू बेसिकली, जो मैं कहूँ चीज़ वो यही है कि आप हमेशा नोट डाउन करते रहें कि जो जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, ताकि आपको पता हो कि क्या क्या अवेलेबल है। एंड जैसे पार्ट ए में आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर निकाला तो वो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फीवर एक आ गई है चीज़, ताकि आप आगे के पार्ट में अगर वो यूज़ होनी हो तो वो यूज़ हो जाए। दिस हाउ प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चंस आर सॉल्व, एंड आई जस्ट से कि इसकी जितनी प्रैक्टिस करनी चाहो वो कर लो, लॉट ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल, आपने प्रोबेबिलिटी पूरा कोर्स पढ़ा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के होंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, तो उनसे प्रैक्टिस कर लो। इसमें जो इंटायर टैक्टिक है वो यही है कि आपने सिर्फ वो इंग्लिश एक अधूरी वो जो पूरी एक अदद होती है पैराग्राफ वो पूरा पढ़ना है एंड डिराइव करनी इंफॉर्मेशन जो जो अवेलेबल है वो कंस्ट्रक्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल एज दैट। आपको जो मैंने फॉर्मूलाज बताए इस पूरे लेक्चर में वो सारे के सारे एक जगह लिख लो एंड वो याद कर लो, मतलब फाइनल में जब आप जा रहे हो तो सिर्फ आप वो फॉर्मूलेज एक बार देख लो ताकि आपको पता हो कि क्या क्या फॉर्मूलेज हैं। जैसे अब यहाँ पे हमारे पास बेज रूल का फॉर्मूला भी यूज़ हुआ एंड ये वाला फार्मूला भी यूज़ हुआ जिसमें हमने ये कहा कि गिवन दैट में इंटरसेक्शन ऊपर आए और नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये डायरेक्ट बेज रूल भी यूज़ हो रहा है और ये वाला फार्मूला भी यूज़ हो रहा है, तो ये दोनों फार्मूलेज पता होने चाहिए। एंड जो कॉन्सेप्ट्स मैंने नोशंस दिए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सम एविडेंस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए गिवन सम एविडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो ये सारे फार्मूलेज एक जगह लिख लो सो दैट यू एग्जैक्टली नो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि इसमें इतने सारे फॉर्मूलेज नहीं हैं, कुछ ही मतलब 5 से 6 फॉर्मूलेज होंगे मैक्सिमम जो आपको याद करने की ज़रूरत है, उसके थ्रू ही आपने आंसर निकालना होता है। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक अदद इंग्लिश पढ़नी है, उससे थोड़ी इन्फॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करनी है कौन कौन सी प्रॉबिलिटीज गिवन है एंड बस फॉर्मूले में पुट करनी है, आपने देखना है कि कौन सा फॉर्मूला बेस्ट सूट कर रहा है जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज़ इट। ठीक है।